हाय एवरीवन, तो फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप लोग फैंट में पैसा कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको हम तीन तरीका बताएंगे, जो तीनों तरीके से आप लोग फैंट में पैसा ऐड कर सकते हैं। पहला है डेबिट कार्ड, दूसरा है UPI, तीसरा है नेट बैंकिंग। तीनों मेथड के जरिए आप लोग कैसे पैसा ऐड कर सकते हैं आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की इंटेक देखते रहिए। तो मेरा नाम है गुलशन, आप देख रहे हैं बर्मा टेक। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग फैन पे ऐप को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए आपको नजर जो की आ रहा होगा। ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन देखिए नजर आ रहा होगा अपने डिस्प्ले पर, होम पेज पर। इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे बोल रहे कितना आप लोग अमाउंट अपने ऐड करना चाहते हैं, कितना आप लोग पैसे इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपको चूज कर लीजिएगा। चलिए हम यहां पर 1 रुपीज चूज कर लेंगे। आपको लाइव डेमो दिखाने के लिए 1 रुपीज चूज कर लिए। इसके बाद यहां पर आपको ऐड मनी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसको ऑफ में करेंगे, इसको यहां पर ऐड मनी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। एंड यहां पर एक ऑप में आप देख सकते हैं आपको एक QR कोड यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। इस पे अगर आप टैप करते हैं, जो भी आपके फ्रेंड रिलेटिव होंगे, जो आपके पेरेंट्स होंगे, आपके जो घर में फैमिली मेंबर होंगे, उनसे अगर ये आप QR कोड स्कैन कराइएगा और उनसे पेमेंट कराइएगा, तो आपके अकाउंट में 1 रुपीज जो कि जाएगा। तो आप लोग इसके माध्यम से भी QR कोड स्कैन करके भी पैसा आप लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड हम लोग यहाँ पर ऐड मनी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। वो भी एक तरीका है, आप लोग QR कोड से भी पैसा अपने अकाउंट में ऐड करा सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर ऐड मनी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पास तीन ऑप्शन यहाँ पर देखिए मिल जा रहा है। पहला आपको ऑप्शन मिल रहा है डेबिट कार्ड, आपके पास जो घर पर आपका ATM कार्ड है उससे भी आप लोग पैसा जो कि ऐड कर सकते हैं। एंड दूसरा है UPI, यहाँ पर आप लोग सेकंड में आप लोग UPI से ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर पर आप लोग देख रहे होंगे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे चूज करने के बाद जो आपके पेरेंट्स होंगे घर पर, जो फैमिली मेंबर होंगे, उनका डेबिट कार्ड ले लीजिएगा, उनसे परमिशन लेकर कीजिएगा। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना होगा, कार्ड पर जो नेम लिखा रहेगा यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद कार्ड के कब एक्सपायरी मंथ है, डेट है, यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड कार्ड के बैक साइड या फ्रंट साइड में लिखा रहता है CVV नंबर, तो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इतना सारा डिटेल भरने के बाद जब आप ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो इजीली है कि उनके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जो रजिस्टर होगा बैंक में मोबाइल नंबर, उन पर OTP आएगा। एंड OTP फिलअप कर दीजिएगा तो आपका पैसा जो कि ऐड हो जाएगा आपके अकाउंट में। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोग UPI से कैसे कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, या भीम UPI हो गया, या पेटीएम के जरिए आप लोग भी पैसा जो कि ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना होगा एंड अपने फैमिली मेंबर का, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे या फैमिली मेंबर होंगे, उनका UPI पूछ लेना होगा उनसे और यहाँ पर एंटर कर देना होगा। इसके बाद वेरीफाई एंड रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई एंड रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उन पर एक मैसेज आएगा कि आपके पास भाई ने एक मैसेज सेंड किया हुआ है, आप उसे पैसा जो कि उनके डाल दीजिए। इतना सारा कर देंगे भाई लोग आपके। चलिए हम आपको बताएंगे कि हम लोग UPI से ही पैसा ऐड करेंगे। चलिए यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नेट बैंकिंग का, तो यहाँ पर चलिए मोर बैंक वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे हमारा जो फर्स्ट वीडियो है कि फैन में कैसे पैसा ऐड किया जाता है, उस पर भाई लोगों ने काफी कॉमेंट किया है कि कौन सा UPI, कौन सा नेट बैंकिंग। तो आपको बताना चाहेंगे भाई साहब कि जितने सारे यहाँ पर बैंक दिया गया है, तो आपको बताना चाहेंगे, मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है। चलिए हम यहाँ पर स्टेट बैंक का यहाँ पर सर्च करेंगे। एंड यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कहाँ पर है जी, स्टेट बैंक। चलिए हमको ऑप में जाना पड़ेगा जी। चलिए हम ऐसे बैक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको SBI आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ बोल रहा है कि 1 रुपीज आप पे कर रहे हैं नेट बैंकिंग से। चलिए हम यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर देखिए हम लोग चूज कर लिए, तो यहाँ पर प्रोसेस पेमेंट जो कि हो रहा है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है UPI और पासवर्ड डालने के लिए। अब यहीं से देखिए मेन मुद्दा यहीं से स्टार्ट होता है। हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें देखे होंगे, तो आप लोग जाकर कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं कि भाई लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि किसका UPI और पासवर्ड क्या है। तो इसका मतलब यह हुआ है जब आप नेट बैंकिंग से पैसा जब आप लोग ऐड कर रहे हैं, जो आपके फैमिली मेंबर पर घर पर पेरेंट्स हैं या ब्रदर हैं, जो भी है, उनका नेट बैंकिंग का पासवर्ड और UPI यह आप नहीं कीजिएगा। आप लोग अपने जो घर पर जिनका अकाउंट होगा बैंक में, जिनका नेट बैंकिंग होगा, उनसे ये करवाना है। वो आप लोग को UPI यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे एंड वहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। एंड लॉगिन करने के बाद जितना अमाउंट उनको आप में ऐड करने के लिए बोलिएगा, ये जितना अमाउंट वो ऐड कराना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड जाइड से की जो कि ऐड जो कि कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आप लोग को मेन हमें बताने का मुद्दा यही था कि आप लोग पैसा ऐड कर रहे हैं तो किसी और का आप लोग UPI या पासवर्ड क्यों मांगिएगा।
आपके घर पर जो पेरेंट्स होंगे उनसे परमिशन ले लीजिए एंड उनसे बोलिए कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा जो कि ऐड कर दीजिए, तो आप इजीली पैसा आपके अकाउंट में जो कि ऐड जो कि कर देंगे। दोस्तों आपको हम तीनों मेथड बता दिए कि आप लोग फैन पे में पैसा जो कि ऐड कर सकते हैं, पहला है डेबिट कार्ड, दूसरा है UPI, तीसरा है नेट बैंकिंग। तो आपको तीनों में से जो भी इजी लगे उस मेथड से आप लोग पैसा जो कि ऐड कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तो जय हिंद जय भारत।